हाय फ्रेंड्स, मैं ऑसम माइंड सीरीज की इस वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आपके रिलेटिव्स मरने के बाद भी आपके साथ रह सकेंगे। किसी रिलेटिव की मौत के बाद लोगों को जीवन भर उसकी कमी सालती रहती है। उसका बोलना, व्यवहार सबको बहुत याद आता है। इस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहे हैं। स्वीडन के साइंटिस्ट का अगर यह रिसर्च कारगर रहा तो मरने के बाद भी आपके रिलेटिव्स को रोबोट के रूप में साथ रखा जा सकेगा। साइंटिस्ट उसमें जान तो नहीं डाल पाएंगे, लेकिन रंग रूप, भोली भाषा, हाव भाव, चाल ढाल में उस व्यक्ति का अश्क देखा जा सकेगा। लोगों को उनके डेड रिलेटिव्स को हमेशा उनके साथ होने का एहसास दिलाने के लिए साइंटिस्ट रिलेटिव्स की आवाज़ की कॉपी भी तैयार करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार होने वाली यह आवाज़ रोबोट को दी जाएगी। इसके जरिए रोबोट बिल्कुल वैसी ही आवाज़ में लोगों से बात करेगा जैसा कि उनके रिलेटिव्स करते थे। लोगों से बात करने वाली और उनके सवालों का जवाब देने के लिए बोलने वाली टेक्निक अभी बाजार में मौजूद हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने यह टेक्निक अपने ग्राहकों को अमेजन एलेक्सा के रूप में दी हुई है। इसी तरह की टेक्निक एप्पल सीरी ऐप और गूगल असिस्टेंट के रूप में भी मौजूद है। इंसान के मरने के बाद डिजिटल रूप में उसे जीवित रखने के लिए लगातार रिसर्च हो रहे हैं। अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरासेप मूवमेंट लोगों के दिमाग को डिजिटल रूप में रोबोट में स्टोर करने का काम कर रही है। लोग के दिमाग में मौजूद सभी यादों को स्टोर किया जा सकेगा। इसके लिए अभी तक 56,000 लोग अप्लाई भी कर चुके हैं। साइंटिस्ट डेड रिलेटिव्स की शक्ल का रोबोट तैयार करेंगे। इस रोबोट को देखने से लोगों को डेड रिलेटिव्स की कमी नहीं खलेगी। इसी रोबोट को एआई की मदद से उनकी आवाज़ दी जाएगी। इससे यह पूर्ण रूप से डेड रिलेटिव्स का जीता जागता अवतार बन जाएगा। इसे लोगों से बात करने लायक बनाया जाएगा, साथ ही कुछ सवालों का जवाब भी दे सकेगा, जैसे क्या समय हुआ, मौसम क्या है। कैनेडाई अमेरिकी इंजीनियर एलन मस्क न्यूरा लेस नामक खास टेक्निक डेवलप करने पर न्यूरालिंक नामक कंपनी स्थापित कर चुके हैं। इसके तहत व्यक्ति के दिमाग में लगाई जा सकने वाली एक ऐसी माइक्रो चिप बनाने की योजना है जिसकी मदद से मात्र सोचने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ी सभी वस्तुओं को कंट्रोल किया जा सकेगा। साथ ही इसका विचारों का आदान प्रदान भी किया जा सकेगा। हांगकांग की टेक्निक कंपनी हेंसेल रोबोटिक्स ने 19 अप्रैल 2015 को सोफिया नामक एक इंसानी शक्ल वाला रोबोट बनाया। यह रोबोट इंसानी चेहरे के 62 भावों को प्रकट करने में माहिर है। पिछले साल अक्टूबर में सऊदी अरब इसे अपनी नागरिकता दे चुका है। किसी देश की नागरिकता पाने वाला यह पहला रोबोट है। जापान भी पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वर्चुअल रोबोट सिबुआ मिराई को अपनी नागरिकता दे चुका है।